हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग ले लेकर आया हूँ जॉब से रिलेटेड न्यूज। तो देखिए दोस्तों, आप लोग कैसे एयरलाइंस में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसकी मैं पूरी डिटेल्स और ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में डिटेल्स लेकर आया हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की नई नई न्यूज आप लोग के लिए लाता रहता हूँ, जिससे आप लोग घर बैठे जॉब पा सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस वेबसाइट का नाम है www.goair.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे केवल एयर होस्टेज और पायलट की ही जॉब एयरलाइंस में नहीं होती है, बहुत सारे अदर वर्कर भी होते हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस वेबसाइट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो और जॉब भी यहां पे देख सकते हैं आप लोग, कितनी पोस्ट हैं, आपकी पोस्ट की डिटेल्स, पूरी लोकेशन कहां पर है, पूरी आप लोग यहां पे डिटेल्स देख सकते हैं, उसके बाद आप लोग अप्लाई करिएगा। देखिए दोस्तों, यहां पे सबसे नीचे आपको स्क्रॉल करना है और ये कैरियर्स के ऑप्शन पे आना है और ये कैरियर्स का ऑप्शन आपको ओपन करना है। देखिए दोस्तों, यहां पर बहुत सारी वेबसाइट हैं जो फ्रॉड होती हैं। देखिए दोस्तों, यहां पे ये सीधे से लिखा हुआ है कि कोई भी ऑथराइज्ड रिक्वायरमेंट के लिए कोई भी एनी पेमेंट नहीं लिया जाता है। देखिए, और अगर ऐसा कोई मतलब अगर पेमेंट आपसे मांगी भी जाती है तो आप पहले यहाँ पर देख लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर आपको फ्रॉड लग रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, आजकल सारी वेबसाइट जितनी भी एयरलाइंस की वेबसाइट है या प्राइवेट कंपनी की वेबसाइट है, वहाँ पर देखिए आजकल ऐड लगा देते हैं लोग, और जो वेबसाइट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं वो लोग ऐड पर ही क्लिक करके और अप्लाई कर देते हैं और चार्ज पेमेंट कर देते हैं, जिससे उनको कोई प्रॉफिट नहीं होता, वो लास्ट में चले जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये थी इसकी डिटेल्स और इसका आप लोग ख्याल रखिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आप लोग अप्लाई करिएगा और पेमेंट कोई भी मत करिएगा, पेमेंट कभी भी मत करिएगा। जैसे आपका इंटरव्यू वगैरह होंगे तो उसमें आपके जो भी आगे का प्रोसीजर है वहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा, या तो आप लोग ऑफिशियल मेल इसकी रहती है आप लोग वहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग पेमेंट मत करिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी देखिए नीचे लिख के आ रहा है कि मतलब कोई भी फ्रॉड एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में ना पड़े और फीस का पेमेंट ना करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको आना है जनरल ओपनिंग्स में, और देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं, मतलब आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। चलिए हम एयरपोर्ट सर्विस के डिपार्टमेंट को चूज कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट हैं जो आप लोग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए आप लोग को ओपन करना है और आपको उसकी वैकेंसी देखनी है। चलिए मैं ड्यूटी ऑफिसर के लिए जैसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, दिल्ली में इसकी लोकेशन है, ड्यूटी ऑफिसर पोस्ट है और एज 30 से 40 इयर्स के बीच में होनी चाहिए, ग्रेजुएट एंड एबव होने चाहिए इसकी क्वालिफिकेशन है, और देखिए दोस्तों एक्सपीरियंस 0 इयर्स टू 5 मंथ्स, 1 इयर्स और 0 मंथ्स, मतलब देखिए कोई एक्सपीरियंस हो या आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो कोई दिक्कत नहीं है, और इतना हो सकता है, इतना चल जाएगा, मतलब देखिए 0 से 0 मंथ्स तक है, और अगर एक से मतलब 1 ईयर मैक्सिमम, 5 मंथ्स मिनिमम, ये मतलब आपको दिया हुआ है। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पोजीशंस, यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन, आप लोग पूरी डिटेल्स यहाँ पर देख लीजिएगा तब जाकर यहाँ पे अप्लाई करिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अप्लाई का आइकन आ रहा है, और यहाँ पर और देखिए दोस्तों, केबिन क्रू के जॉब्स के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, यहाँ पे देखिए नीचे स्क्रॉल करते चले जाइए, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, और ये इंटरमीडिएट लेवल के लिए भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, केवल 10+2 जॉब्स होती हैं ये। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस्ड कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल के लिए है, लेकिन यहाँ पर देखिए फीमेल एक्सपीरियंस्ड है, यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, मुंबई में है, ये दिल्ली है, दिल्ली देख लीजिए, पूरी डिटेल्स आप लोग देख लीजिएगा, और यहाँ पे जॉब्स की पूरी डिटेल्स आप लोगों को दी हुई हैं, जो जॉब्स आपके लिए सुटेबल है उसी के लिए अप्लाई करिएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को अप्लाई का प्रोसेस बता देता हूँ, यहाँ पे आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। देखिए आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ गया, अभी तो हमने कोई आईडी बनाई नहीं है, अगर आईडी हमारे पास होती तो हमको केवल ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाना है और यहाँ से हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। अभी हमारे पास कोई आईडी नहीं है, हम न्यू यूजर हैं, तो हमको यहाँ पे न्यू यूजर पे सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पासपोर्ट पे आपके जो भी नाम है उस पर आपको सेलेक्ट करना है, ईमेल आईडी आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी डालिएगा, क्योंकि जैसे ही आपकी कोई भी जॉब की नोटिफिकेशन होती है आपके पास मेल आएगी, और एक्टिव ईमेल आईडी जिस पे आप एक्टिव हैं वो ईमेल आईडी डालिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड इंटर करना है, कंफर्म पासवर्ड, अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं, जो पासवर्ड आप यहाँ पे जनरेट करना चाहते हैं वो पासवर्ड आपको डालना है। उसके बाद मेल या फीमेल, फादर्स नेम, सिटी आपकी जो भी है, और आपका अपना मोबाइल नंबर, और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस डालिएगा। उसके बाद देखिए पैन नंबर आपको डालना है, डालिए, नहीं डालना है नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए दोस्तों, नेम एज पर आधार, आधार पे आपका नाम क्या है, आधार नंबर आपको डाल देना है,
देखिए दोस्तों, बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है बेसिक वो आप डाल दीजिए, नहीं तो देखिए दोस्तों जो भी आपकी मतलब क्वालिफिकेशन है वो आप अपने डाल सकते हैं। उसके बाद मास्टर क्वालिफिकेशन समथिंग है तो आप यहाँ पे ऐड के बटन करके क्लिक कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स कोई भी आपने किया है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों टाइप वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेशर हैं तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर विथ एक्सपीरियंस है तो आपके यहाँ पे एक्सपीरियंस समथिंग सर्टिफिकेट वगैरह लगाना होगा। और देखिए देख लेते हैं, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपकी डिटेल्स पूरी मांग रहा है। उसके बाद अगर आप फ्रेशर्स हैं यहाँ पर देखिए आप किस में एक्सपर्टाइज हैं, एडमिन लिख दीजिए यहाँ पे, चलिए मैं एडमिन कर देता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रेफरेंस, मैं एडमिन पे प्रेफरेंस रखूँगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे पोजीशन वी आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग, देखिए दोस्तों अदर पोजीशन पायलट के लिए तो कोर्स करना हो, पायलट नहीं अदर पोजीशन केबिन क्यू, तो जो पोजीशन आपकी होगी वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए इसके हिसाब से ही आपकी आपकी डिटेल्स पूरी देखी जाती है और जो जॉब होती है उसको आपके लिए सेलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर देखिए आपका सोर्स मतलब आपको कहाँ से पता चला, तो आप अदर्स कर दीजिए या गूगल एम्प्लॉयमेंट रिफ्लर जैसे आपको पता चला हो। चलिए मैं अदर्स कर देता हूँ, क्योंकि जैसे अदर में आप जैसे लिख दीजिए गूगल के द्वारा मुझे पता चला, EOOGLE गूगल। और देखिए उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे रिज्यूमे टाइटल वो आपको क्या करना है, एडमिन। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको अपना रिज्यूमे अपलोड कर लेना है, और रिज्यूमे आप लोग पहले से बना के रखिएगा क्योंकि ये मैक्सिमम जॉब में आपका रिज्यूमे लग जाता है, इसलिए रिज्यूमे बना के रखिएगा और इस पर अपलोड आपको कर देना है। जैसे ही रिज्यूमे आप सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, यहाँ से आपका ये पूरी डिटेल्स आपकी सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपका नॉर्मल ऑप्शन रहता है कोई भी जॉब, जैसे सबमिट हो जाता है आपका कोई भी जॉब है, जैसे यही जॉब है ठीक, ड्यूटी ऑफिसर की जॉब में मुझको अप्लाई करना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस अप्लाई करना है और अप्लाई आपका हो जाएगा। आपकी जितनी भी पूरी डिटेल्स होंगी इस जॉब के लोकेशन पे मतलब जिसके ऊपर भी इस जॉब को सिलेक्शन करने के लिए आपकी ये प्रोफाइल उसके पास पहुंच जाएगी जो भी सिलेक्शन करता है इसका, और उसके बाद आपकी डिटेल्स पूरी वो देखेगा, आपको इंटरव्यू के लिए जो भी इसके आगे का प्रोसेस है आपको उसके लिए इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, जैसे भी पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। उसके बाद देखिए बहुत सारी यहाँ पे जॉब्स हैं, चाहे जो जॉब देख लीजिए और उसके बाद आप अप्लाई करिए। और ये इसकी पूरी डिटेल्स थी, आप लोग ऐसे मतलब अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए दोस्तों ये सेकंड वेबसाइट की बात करता हूँ, इंडिगो। इंडिगो में देखिए दोस्तों इस टाइम लॉकडाउन कारण जॉब्स अवेलेबल नहीं है, नहीं तो देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन इसकी डिटेल्स आप लोग कैसे जॉब्स यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो आपकी ये वेबसाइट थी जो मैंने अभी आपको बताई goair.in, इस पर जॉब्स देखिए अवेलेबल हैं, इस पर बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं, और जेंट्स तो कम ऑप्शन रहते हैं लेकिन लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हमेशा रहते हैं। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर इस जॉब इस वेबसाइट में आपको देखना है, इस वेबसाइट को आप लोग ध्यान से देख लीजिए goindigo.in। और इसके बाद देखिए दोस्तों नीचे आपको आना है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। देखिए दोस्तों ये हमारा करियर्स का ऑप्शन है, ये करियर्स का ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों ये हमारा करियर्स का ऑप्शन ओपन हो चुका है। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी कॉजन दिखा रहा है, देखिए दोस्तों ये दैट जॉब में ऑफर में भी स्कैम, मतलब कि ऑफर जो आपको दिख रहा है वो एक स्कैम भी हो सकता है। और देखिए इंडिगो डज नॉट चार्ज एनी मनी फॉर इंटरव्यूज और रिक्वायरमेंट, देखिए दोस्तों कोई भी चार्ज नहीं लगता है, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि आप लोग किसी भी जॉब के लिए पहले पेमेंट मत करिएगा, प्राइवेट जॉब के लिए खासकर, ये मैं इसी की केवल बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी जॉब हो प्राइवेट जॉब है अगर कोई आपसे बंदा पैसे मांग रहा है तो उसका पेमेंट आप कभी भी मत करिएगा, पहले या तो पूरी तरह से चेक कर लीजिएगा तब पेमेंट करिएगा, नहीं तो पेमेंट आप लोग मत करिएगा, क्योंकि कोई भी प्राइवेट जॉब ऑनलाइन पेमेंट जल्दी कभी नहीं लेती है, बहुत ही रेयर केस में कुछ कंपनियाँ जॉब्स जो देती हैं वो लेती हैं, नहीं तो कभी नहीं लेते हैं। और यहाँ पर देखिए करियर्स के ऑप्शन में आने के बाद आपको क्या करना है, जॉब्स एंड इंडिगो, देखिए दोस्तों ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए अब आप यहाँ पे अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं, लेकिन और यहाँ पे टोटल जॉब्स नीचे शो करता है, यहाँ पे देखिए सॉरी नो ओपनिंग करेंटली, यहाँ पे नो ओपनिंग्स इसलिए भी हो सकती हैं क्योंकि देखिए अभी इतना लॉकडाउन था और बजट इन लोगों का काफ़ी कम है और अभी पूरी तरह से फ्लाइट भी ओपन नहीं हो पा रही हैं, तो इसीलिए शायद अभी कोई ओपनिंग्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका तुरंत आ जाता है। आप लोग यहाँ पे कैंडिडेट साइनअप पे जाके यहाँ पे देखिए साइनअप का प्रोसेस पूरा एकदम आसान है, यहाँ पे आप लोग साइनअप कर सकते हैं अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर, यहाँ पर आप लोग
तुरंत साइन अप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये इसकी पूरी डिटेल्स थी, और इस तरह की वेबसाइट मैं आप लोग के लिए हमेशा लाता रहता हूँ, और ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में पूरी डिटेल्स, जिससे आप लोग घर बैठे जॉब पा सकते हैं और अप्लाई करके पूरा ऑफिशियल प्रोसेस मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और एक चीज़ मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि कभी भी कोई भी पेमेंट किसी भी प्राइवेट जॉब के लिए मत करिएगा, इससे आप लोग फ्रॉड में फंस सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग के लिए फिर कोई नया वीडियो लेकर आऊँगा, जैसे ही कोई जॉब से रिलेटेड वीडियो आता है तो आप लोग उसको देखना ना भूलें।